Hello aspirants, welcome to GK Today current affairs presentation. I am Yashwardhan and today is 17 July. इस वीडियो में हम फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे. ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट फायर किया है DRDO ने. उसके बाद इंडियन आर्मी ने एक लॉ कॉलेज स्टार्ट किया है पुणे में. हरियाणा सरकार ने एक पौधा गिरी कैंपेन स्टार्ट किया है. IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसके हिसाब से इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो कम होगी. उसके बाद इंडियन रेलवे ने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है. LIC बोर्ड यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, उन्होंने IDBI के 51% शेयर एक्वायर करने की अप्रूवल दे दी है. उसके बाद ऑल वुमेन ब्रांच ऑफ J&K बैंक है वो स्टार्ट हुई है पहली बार. उसके बाद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्टर पुतिन हैं, उनकी मीटिंग हुई है फिनलैंड में. नेक्स्ट है 2018 सॉफ्ट पावर 30 इंडेक्स लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट है नेपाल ने इंडिया के लिए नए एम्बेसडर को अपॉइंट किया है. उसके बाद है BBC वर्ल्ड सर्विस ने गुजराती भाषा में अपनी न्यूज बुलेटिन स्टार्ट की है. और अंत में खेल समाचार के बारे में बात करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ब्रह्मोस टेस्ट फायर, ये DRDO ने टेस्ट किया है इस मिसाइल का. DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ब्रह्मोस है वो एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में. इंडिया की ब्रह्मपुत्रा रिवर और रशिया की मोस्कोवा रिवर को मिलाकर, यानी कि भारत की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मोस्कोवा दोनों के नाम को मिलाकर ब्रह्मोस नाम बना है. ये एक वर्सेटाइल मिसाइल है. वर्सेटाइल का मतलब है ये कई जगह पे यूज हो रही है. इंडियन आर्मी भी इसको यूज़ कर रही है, इंडियन नेवी भी और इंडियन एयरफोर्स भी इसको यूज़ कर रही है. ये टेस्ट फायर की गई थी ITR यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है चांदीपुर में. चांदीपुर उड़ीसा में है. नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन आर्मी ने एक लॉ कॉलेज स्टार्ट किया है पुणे में. इंडियन आर्मी को एक लॉ कॉलेज स्टार्ट करने की परमिशन मिल गई है. महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने अप्रूवल दे दिया है इस कॉलेज को स्टार्ट करने के लिए. नेक्स्ट है पौधागिरी कैंपेन. ये कैंपेन गुड़गांव में इनोग्रेट किया गया है. हरियाणा सरकार का एक कैंपेन है जिसमें 22 लाख बच्चे हैं, छठी क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं, वो नए पौधे उगाएंगे. जो मानसून सीजन है उसमें नए पौधे उगाएंगे. हर एक स्टूडेंट है वो जो भी पौधा उगाएगा वो 3 साल तक उसकी देखभाल करने की जिम्मेवारी भी लेगा. सरकार ने इसके लिए कुछ इंसेंटिव भी देने की बात कही है, यानी कि हर 6 महीने पर छात्र को अपनी एक सेल्फी एप्लीकेशन पे अपलोड करनी पड़ेगी. उसके बाद सरकार हर 6 महीने पर 50 रुपये उस छात्र को इंसेंटिव के तौर पे प्रदान करेगी. नेक्स्ट न्यूज़ है IMF ट्रिम्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो होगी, थोड़ी सी धीमी होगी. IMF के बारे में बात करें तो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है. इसकी स्थापना 1945 में हुई थी. इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टीन लेगार्ड जो कि जर्मनी की हैं. बावजूद इसके कि इंडिया की जो ग्रोथ करने की स्पीड है वो धीमी होगी, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक होगा. नेक्स्ट न्यूज़ है LIC बोर्ड ने IDBI में 51% शेयर खरीदने की बात को अप्रूवल दे दिया है. LIC है वो बैंकिंग सेक्टर में एंटर करने की, यानी कि कदम रखने की कोशिश कर रहा है बाय एक्वायरिंग मेजोरिटी स्टेक इन IDBI बैंक. IDBI बैंक है उसमें 51% शेयर LIC खरीद कर बैंकिंग सेक्टर में कदम रखने की कोशिश कर रहा है. LIC है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है. ये लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है. 1956 में इसकी स्थापना की गई थी. इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और मिस्टर VK शर्मा हैं वो इसके चेयरमैन हैं. IDBI बैंक की बात करें तो IDBI बैंक का मतलब है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, यानी कि लोगों को लोन प्रोवाइड करना इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए. इसकी स्थापना 1964 में हुई थी. इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है. इसके चेयरमैन हैं वो मिस्टर B. साईंराम. उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है रेलवे और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसको महामेट्रो भी बोला जाता है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है नागपुर में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डेवलप. मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का मतलब है बहुत सारी पब्लिक के ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, यानी कि आप मेट्रो फैसिलिटीज़ देख लीजिए जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक कॉमन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रेवल कर सकती. उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक. जम्मू कश्मीर बैंक है उसमें पहली
केवल महिला ब्रांच शुरू हुई है। इसका उद्घाटन श्रीनगर में किया गया। जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में बात करें तो ये 1938 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में। परवेज अहमद हैं वो इसके चेयरमैन हैं, मिस्टर परवेज अहमद। नेक्स्ट न्यूज है, मिस्टर ट्रंप एंड मिस्टर पुतिन मीटिंग इन हेलसिंकी, फिनलैंड। रशिया के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में एक मीटिंग हुई है। नॉर्वे और स्वीडन की राजधानी क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, 2018 की एक सॉफ्ट पावर 30 इंडेक्स लॉन्च की गई है। उस इंडेक्स के हिसाब से यूके टॉप नंबर पे है। ये इंडेक्स लॉन्च की है पोर्टलैंड नाम की एक यूके बेस्ड फर्म और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया ने। इंडिया का इस लिस्ट में नाम नहीं है, फ्रांस है वो दूसरे नंबर पे इस लिस्ट में। हालांकि इस बार इस रिपोर्ट ने एशिया के लिए एक अलग चैप्टर बनाया है जिसमें 10 कंट्रीज के लिस्ट तैयार की गई। उस पोजीशन में इंडिया का 8वां नंबर है। नेक्स्ट न्यूज है, नेपाल्स न्यू एम्बेसडर टू इंडिया। नेपाल सरकार ने मिस्टर नील कांत को नया एम्बेसडर अपॉइंट किया है भारत के लिए। वो इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज है, बीबीसी वर्ल्ड सर्विसेज लॉन्चेस इट्स फर्स्ट गुजराती लैंग्वेज न्यूज़ बुलेटिन। बीबीसी वर्ल्ड सर्विसेज ने गुजराती भाषा में अपना न्यूज़ बुलेटिन स्टार्ट किया। पिछले 12 महीनों में बीबीसी वर्ल्ड ने 12 नई भाषाओं में अपनी सर्विसेज चालू की हैं। इंडिया में 4 नई भाषाएं चालू की गई हैं, गुजराती, मराठी, पंजाबी एंड तेलुगु। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज से बात करें तो एथलेटिक्स वर्ल्ड कप हुआ है पहली बार, जो कि लंदन में हुआ था, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जीता है। एथलेटिक वर्ल्ड कप है वो एक टीम बेस्ड इंटरनेशनल एथलेटिक कॉम्पिटिशन है जिसकी शुरुआत 2018 से हुई थी, यानी कि ये पहली बार ये कप ऑर्गेनाइज करवाया गया था, ये लंदन में हुआ था। नेक्स्ट है, इंटरिम कोच ऑफ इंडियाज वुमेन्स क्रिकेट टीम। भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसके इंटरिम कोच अपॉइंट किए गए हैं मिस्टर रमेश पोवार। हाल ही में जो ऑलरेडी कोच थे मिस्टर तुषार अरोते, उन्होंने रिजाइन कर दिया टीम के साथ कुछ डिफरेंसेस होने की वजह से। तो बीसीसीआई ने कुछ नए एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया है एज ए कोच अपॉइंट करने के लिए। तब तक मिस्टर रमेश पोवार को टेम्परेरी एक कोच अपॉइंट किया गया है। इसी साल 2018 में महिला T20 विश्व कप होने वाला है। कमेंट बॉक्स में बताइए ये कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।